महत्वपूर्ण, हम सब ये चाहते हैं आपके लोग बाकी तो बैठ जाएं, हम इसलिए नहीं बैठ रहे हैं ना, उधर पीछे हैं। आपका निर्देश पूरी तरह से पालन करूंगा। 2003-04 में 3,750 मेगावाट बिजली की क्षमता का एक कारखाना गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकृत किया था और वो गैस आधारित है। अब लगातार सरकार से केंद्र सरकार से अनुरोध करते रहे लेकिन गैस नहीं दी। केवल गैस देने की वजह से आज उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा से लेकर के राजस्थान, अन्य सूबों में बिजली पहुंच जाती है। उत्तर प्रदेश को तो केवल 13-14 मेगावाट की जरूरत थी। आपका विषय हो गया ना, लेकिन नहीं गैस दे रहे। हम चाहते हैं कि गैस दें। दूसरी बात, आप देखेंगे कि जब बिजली का संकट है और आम आदमी परेशान है तो अब जो हाईकोर्ट से ये मामला गया, हाईकोर्ट ने कहा कि गैस देना चाहिए, सरकार ने कोई पैरवी नहीं की। अब सरकार गई अपील करने सुप्रीम कोर्ट में। इसका क्या मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार क्यों गई? बिजली के लिए गैस देना है, अब गैस नहीं दे रहे, लेकिन नहीं ये बताना चाहते, इसलिए कि एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। हमें कोई मतलब नहीं। आपका विषय हो गया ना, हमारे ऊपर कहते अनिल अंबानी से मुझे कोई मतलब नहीं, हमें बिजली चाहिए। आपका हो गया, हमें बिजली चाहिए। नहीं, अभी कहाँ हो गया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में क्यों गए? सुप्रीम कोर्ट में रोकने के लिए गए और उसका लाभ, उसका नुकसान होगा एमटीपीसी को 30,000 करोड़ रुपए का, और एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए मंत्री। तो ये तो पूरा खुल्ला खुल्ला जनता की गाड़ी कमाई और देश का विकास बिजली के बिना संभव नहीं है। तो बिजली के खिलाफ जो एमटीपीसी सरकारी संस्था है उनको 30,000, आपने अपनी बात रख, आपने अपनी बात रख दिए, अब हो गया। सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में क्यों गए? सुप्रीम कोर्ट में क्यों गए 30,000 करोड़ रुपए का घाटा देने के? आपका विषय हो गया ना, सरकारी हो कैसे गया? जवाब आना चाहिए। अब जवाब, जवाब नहीं आएगा तो नहीं, हम माननीय उपाध्यक्ष महोदय माफ करिएगा, ये 30,000 करोड़ रुपए का घाटा एक व्यक्ति को पहुंचाने के लिए। अब हमसे आरोप लगा कि अगर अनिल अंबानी से ही हो, मुकेश अंबानी का ही अगर विवाद, विषय तो रख दिया आपने, नहीं विषय तो आपने रख दिया ना, दोपतियों का विवाद है, व्यक्तियों का नहीं है। माननीय सदस्य, आपने विषय तो रख दिया, यहाँ नहीं दे रहे गैस और बाहर सूबों में क्यों दे रहे? दूसरे सूबों में 3 जगह लग रहा, वहाँ क्यों दे रहे? और तब देश का देना क्यों रखना चाहते? चलिए आगे, आइटम नंबर 12 रखना चाहते, आइटम नंबर 12 दिल्ली में परेशानी है और राजस्थान में परेशानी है। श्रीमती सुषमा स्वराज ने अनुरोध किया है कि उनके स्थान पर श्री यशवंत सिन्हा को चर्चा प्रारंभ करने की अनुमति दी जाए। यशवंत सिन्हा आधारित है यूनिट, शुरू की शुरू की ऐसा नहीं, हमारा जवाब आ उनका रिकॉर्ड में जाए। श्री यशवंत सिन्हा जी, बाकी नहीं होगा आप ही कभी कर लेते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप लोग कृपया बैठ जाए, आप लोग कृपया बैठ जाए। आपने अपनी बात रख दिया है, अब सरकार अपना जवाब देंगे नहीं देंगे, हमको जवाब देना तो है नहीं है, इसलिए आप लोग बैठ जाइए, सरकार सोचेगी, कृपया बैठ जाए।
पीएम साहब कृपया बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए बैठ जाइए। अरे सदन को चलने दीजिए। श्री यशवंत सिन्हा जी बोल दिया ना। तुम ये सोच रहे यशवंत सिन्हा जी अब शुरू कीजिए। सिर्फ रिकॉर्ड इनका जाएगा, रिकॉर्ड में सिर्फ यशवंत सिन्हा जी का जाएगा। कृपया बैठ जाए मंत्री जी। मेरे से इस बात पे माननीय सदस्य श्री मुलायम सिंह जी सहमत होंगे कि जब हाउस में एकदम कोई मसला उठाया जाता है कि सरकार क्यों सुप्रीम कोर्ट में गई या क्या मसला है, वो यहाँ इस वक्त हम नहीं कर सकते। लेकिन इतना मैं विश्वास ज़रूर दिलाता हूँ, जो बात यहाँ कही जाती है उस बात को मैं हमारे जो मंत्री हैं इससे संबंधित उनके इलम में ये बात ज़रूर ले आऊँ। अब वो आपके विषय में बोल दिया ना मंत्री जी। सामूहिक जिम्मेदारी होती है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री भी दे सकते हैं, विदेश मंत्री भी जवाब दे सकते हैं, कोई दे सकता है, और नहीं तो प्रधानमंत्री जी दे सकते हैं, कोई जवाब तो दे सकता है। It was raised immediately after the questionnaire. The house was adjourned for 2 hours. We could not transact any business. Now again the same matter is being raised, sir. Sir, will the house be held to ransom that way? We can't discuss anything else. माननीय सदस्य आपकी बात आपने रख दी है, सरकार ने भी सुन लिया है, सरकार अपने उचित समय पर जवाब देंगे। आज हाउस चलने दीजिए। जवाब कब देंगे? हमारा डिसाइड करने का नहीं है, सरकार का काम, हमारा नहीं। कृपया सदन को चलने दीजिए माननीय सदस्यगण, कृपया सदन को चलने दीजिए। ये चेयर से नहीं होता है। कृपया सदन को चलने दीजिए, बैठ जाइए आप लोग। यशवंत सिन्हा जी
सर छोड़ो सर The house adjourned to meet again at 3 p.m.